हमारे पास मौजूद है उसमें जनाब स्पीकर 91,70,000 रुपए इन्होंने बल्क में रखे हैं कि उसमें बाद में एक तफसीर इन्होंने दी है कि किन बंगलों पे और चीफ मिनिस्टर हाउस पे और कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ है। तमाम के तमाम अगर इसकी तफसील भी आप पढ़ लें तो तमाम के तमाम जो है वो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन हैं और जो अलग अलग बंगलों की तफसील यहाँ पे बंगला वाइज इन्होंने दी है उसमें भी ज़्यादातर जो है इन्होंने या जर्नलाइज किया, इन्होंने जर्नल रिपेयर का नाम दे के पैसे निकाले गए हैं या इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के नाम पे पैसे निकाले गए हैं। तो हमें ये अब मैं जैसे मैंने आपको एक बंगले की सिर्फ तफसील दी जनाब स्पीकर कि दो सालों में इस एक बंगले में इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन और जर्नल रिपेयर के नाम पे जो पैसे निकाले गए, मैं बंगला नंबर भी पुकारता हूं, बंगला नंबर है 54A। इसमें 19,20,000 रुपए एक निकाले गए, 3,50,000 रुपए एक निकाले गए, 14,98,000 रुपए एक निकाले गए और इसी साल 1,85,000 रुपए दोबारा निकाले गए। और दूसरा 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 जनाब स्पीकर बंगला नंबर है 49B लिखा हुआ है जिसके लिए 42,50,000 रुपए निकाले गए एक ही साल में और कोई तफसील नहीं है, सिर्फ इतना दर्ज किया गया है कि जर्नल रिपेयर, उस जर्नल रिपेयर में इन पैसों में तो पूरा बंगला नया बन जाता है, इन पैसों में जर्नल रिपेयर के कौन से काम किए गए कोई तफसील नहीं है जनाब स्पीकर। जो क्वेश्चन है उसमें भी यही कहा है कि कितना खर्च हुआ।